गाइस यहाँ से एंट्री गेट है, मंदिर इधर है। पहले हम जूते चप्पल निकाल दें इधर। गाइस ऐसा है यहाँ पे, ये यज्ञ स्थल है और आगे जा रही हूँ मैं मंदिर की ओर। तो मंदिर इधर है, गाइस ये है जो मेन मंदिर है, सिद्ध शक्ति पीठ श्री महामाया देवी मंदिर। और यहाँ से फिर इधर से है मंदिर। मंदिर में नगद राशि, स्वर्ण भूषण, वस्त्र आदि रसीद प्राप्त करके ही चढ़ाएं। तो ऐसा है ये चारों तरफ से। तो हम परिक्रमा करके फिर मेन मंदिर पे जाएंगे। और भी जब श्रद्धालु होते हैं, यहाँ पे भीड़ होती है, तो देखिए ये ऐसे ग्रिल बने हुए हैं, तो वो ऐसा मैनेज करने के लिए भीड़ को। यहाँ से ओ इधर कुंड भी है, तो कुंड का भी दर्शन करेंगे। पहले माता रानी का दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे मंदिर प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आप सब भी दर्शन करिए माता रानी का। मंदिर से निकलने के बाद और भी यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ हैं, वैसे काफ़ी सारे यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी गई हैं और सब में नाम भी लिखा गया है कि कौन सा भगवान है। ऐसा है कि इनमें भी फूल चढ़े हुए हैं और पूजा हुआ है काफ़ी। तो इधर शिवलिंग है तीन, और वापस से फिर ये मंदिर है, अभी पूजा हुई है जस्ट। गाइस ये मंदिर है, मंदिर के सामने ऐसे एक और छोटा सा मंदिर है, तो उसमें ये मंदिर है माँ भद्रकाली का, माँ भद्रकाली देवी। और यहाँ हनुमान जी हैं दक्षिणमुखी, और यहाँ पे भी हनुमान जी हैं। और ये एग्जिट गेट है, और इधर भी माँ महिष मर्दिनी, सो ये माता रानी है। और यहाँ पर जोत भी जल रहा है। सो ऐसा है ये मंदिर, और यहाँ से एग्जिट है। तो मैं बाहर जा रही हूँ अब। ये एक मंदिर है पर यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब कोई भी देवी देवता नहीं है। और ये जो दरवाज़ा है, ये इसमें काफ़ी अच्छा आर्ट बना हुआ है, जैसे आप देख रहे शेर है दो यहाँ पर द्वार पर, और यहाँ पर शिव जी हैं, और थोड़ी सी स्टोरी इसमें बनाई गई है दीवार पे ही। गाइस ये कुंड हमने देखा था थोड़ी देर पहले वीडियो में, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा कुंड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के इसको, मतलब शांति पीसफुल जगह ऐसा बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है यहाँ नहाना सख्त मना है, और देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, और यहाँ पे मतलब मंजन कर रहे हैं, जो भी सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे मछलियाँ हैं, मेरी ये बात सुन। इतनी सारी मछलियाँ हैं ये कुंड में, अच्छी जगह है ये, बहुत सुंदर जगह है।
गाइस देखिए ये एक और कुंड है, इधर इधर कमल के फूल खिलते होंगे, पत्ते देख के आपको समझ आ जाएगा। सो ऐसा है ये, उधर वाले कुंड में लोग नहा रहे थे, जबकि यहाँ तो लिखा भी नहीं कि नहीं नहाना है, फिर भी इसमें कम लोग नहा रहे हैं। जिधर लिखा था नहाना मना है उधर ही ज़्यादा लोग नहा रहे थे। तो ये काफ़ी सुंदर सी जगह है। गाइस इधर से जाते हैं मनोकामना ज्योति कलश कक्ष, पंचमुखी शिव मंदिर और महामाया वाटिका। तो हम इधर आगे बढ़ रहे हैं। गाइस अंदर चल के देखते हैं ज्योति कक्ष। गाइस ये ज्योति कलश कक्ष है और यहाँ पे काफ़ी सारी ज्योति जलाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं जगमग जगमग, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। मनौती स्थल नारियल आदि यहाँ बांधे, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे भी कुंड है, वाओ, और यहाँ पे शिव मंदिर है। तो चलिए दर्शन करते हैं। महामाया वाटिका है, ये गार्डन है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब बैठे हुए हैं, ऐसा है ये वाटिका। कितने सारे कुंड हैं यहाँ पे, मतलब तीन तो मैंने देख लिए। कितना झूला है यार। हाँ बहुत सारा झूला है यहाँ पे। तो गाइस ऐसा ही बना हुआ है, देख सकते हैं। ऐसा कुछ है। और बाकी का गार्डन तो मैंने आपको दिखा दिया है।